अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुल्तान व्लॉग। तो आज मैं अपने व्लॉग में आप दोस्तों के साथ अपनी एक विश शेयर करने जा रहा हूं जी। तो मेरी विश ये थी कि मुझे बचपन से शौक था घोड़ा पालने का, घुड़सवारी का, हॉर्स राइडिंग का। तो आज इंशाल्लाह मैं अपनी ये विश पूरी करने जा रहा हूँ अल्लाह ताला की फजल से और आप दोस्तों की दुआओं से। तो पहले मैं 3-4 दफ़ा गया हूँ, मुख्तलिफ जगह पर गया हूँ, देहातों में गया हूँ, लेकिन मुझे कोई मुनासिब मेरी मनपसंद का जानवर मुझे नहीं मिला। तो आज इंशाल्लाह हम फैसलाबाद जा रहे हैं। लास्ट मंथ भी मैं फैसलाबाद गया था तो मैं वापस आ, वैसे ही मुझे कोई जानवर नहीं मिला तो मैं वापस वैसे ही आ गया। इस दफ़ा मैं फिर, हाँ जी ओके, तो मैं इस दफ़ा फिर इंशाल्लाह जो है ना वो आज मैं फैसलाबाद के लिए रवाना होने लगा हूँ। तो टाइम हमारी गाड़ी का तकरीबन 1 से 1.5 बजे लाल अड्डे से रवाना हो जाएगी। तो मैं ज़रा अपनी तैयारी शैरी फटाफट कर लूँ तो फिर आपके साथ दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ। अब निकलने लगे हैं लाल अड्डे, दोस्त को कॉल की है, अबूबकर दोस्त है वो मेरा, वो आएगा मुझे लाल अड्डे तक छोड़ के आएगा। कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, बैग शैग पैक कर लिया। और बैग जो है ना वो अच्छा होता है, ज़रूरी होता है, कुछ बंदा ज़रूरी चीज़ें अपनी इसमें डाल लेता है। मैं जब भी सफ़र पे जाता हूँ तो ये अपना हैंड बैग जो है ना वो साथ ज़रूर रखता हूँ। तो लारी अड्डे तकरीबन दूसरे दोस्त पहुँच गए हैं, 1 या 1.5 बजे गाड़ी का टाइम है निकलने का। तो मंडी में मुलाकात होती है इंशाल्लाह जी। लगता है बकर भाई आ गए हैं जी। बकर तो जी, ये बकर भाई आ गए हैं बाहर। भाई का बहुत शुक्रिया यार, इतने इतनी ठंड में मैंने कॉल की है तो ये आ गए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले भी कहीं भी जाना हो तो जब भी मैंने अबूबकर को कॉल की है तो ये लाजमी जो है ना वो मेरी कॉल पे आया है, इसका बहुत शुक्रिया। तो आप भी जो है ना, मैंने एक ही कॉल की है इसको तो वो आ गया था। इसको मैं कह रहा हूँ यार दुआ करना, अच्छा सा जानवर मिल जाए। पहले भी 2-3-4 दफ़ा मैं गया हूँ तो कोई मुनासिब जानवर नहीं मिला, तो अल्लाह करे आज कोई जानवर मिल जाए मजबूर जी का पसंद का। ये हम लाल अड्डे आ गए हैं, ये मैदान होटल, ये जी KFC, अब यहाँ से यू टर्न लेंगे हम। अबूबकर भाई वो आगे फैसलाबाद की गाड़ी जो है ना जी, जी वो आगे देखिएगा, वो जो एक जी जी ये वो आगे फैसलाबाद की गाड़ी। ये जनाब फैसलाबाद, इधर रुकिएगा ना, ये जनाब फैसलाबाद की गाड़ी। दोस्तों हम गाड़ी में पहुंच गए हैं, गाड़ी बिल्कुल रेडी है, 1 बजे गाड़ी का टाइम है निकलने का। दूसरे दोस्त हैं वो बाहर तकरीबन आ रहे हैं, रास्ते में ही 2-4 मिनट में वो भी पहुंच जाते हैं। 10 से 15 मिनट में ये गाड़ी जो है ना वो यहाँ से रवाना हो जाएगी इंशाल्लाह। तो गाड़ी के अंदर बैठते हैं इंशाल्लाह। तो ठीक है बकर भाई जो है ना वो मिलते हैं, फिर दुआ कीजिएगा कोई अच्छा सा जानवर मिल जाए जी। व्यूअर्स हम ये देखें मंडी में आ गए हैं, सुबह 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 का टाइम है तकरीबन 8:30-8 बजे इसका टाइम है। ये देखिए मंडी में काफ़ी ज़्यादा रश है, काफ़ी ज़्यादा जानवर आए हैं, 3-4 जानवर हमने देखे हैं जो हमें पसंद आए हैं। तो अब देखते हैं उनमें से हमारे नसीब में कौन सा जानवर है। तो अभी रेट शेट हमारे हो रहे हैं 3-4 जानवरों के, हमें जो है ना वो हमने रेट इनसे पूछे हैं। तो दोस्तों एट द एंड अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये हमने जानवर सेलेक्ट किया है। अब इसका रेट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फाइनल हो गया, 2,50,000 का हमने इसको परचेज किया है। अभी हम इसकी पेमेंट करते हैं।
ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਆਈ ਨਾ ਲਾ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਤਲਿਆਰਾ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਯਾਰੋ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕੜੀ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਦੇ ਅਸੇ ਚਾ ਕੋਈ ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾੜੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਖੜਨਾ ਅੱਗੇ घोड़े एक जी रस्सा कोई चीज ना था। ये जनाब हम अब अंकल को पैसे दे रहे हैं ताकि ये अपने पैसे पूरे कर ले जनाब। 2,50,000 का हमने इसको परचेज कर लिया है तो अब हमने ये जानवर कर लिया है। जानवर बहुत ही अच्छा खूबसूरत जानवर है तो अब हम इसके लिए स्पेशल गाड़ी करवाएंगे सियालकोट के लिए, इसको अपने घर लेके आएंगे। तो आपको हमारा गोरा कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।